सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट टेकर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेकर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सॉन्ग या नवरात्रि पे किसी भी सॉन्ग का पोस्टर कैसे डिजाइन कर सकते हैं इस वीडियो के हेल्प से। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, पिक्सेल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर देना है और उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं मैं ये एरो का सिंबल दे रहा हूँ, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से साइज आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का साइज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ से यूट्यूब थंबनेल। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, ये जो ट्रांसपेरेंट है इस पर क्लिक कर देना है। जब आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह का हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैं दो इमेज सेलेक्ट किया हूँ और इनका जो साइज़ है फिट करके मैं इस तरह से एक पोजीशन सेट कर दे रहा हूँ। और यहाँ से मैं ये जो माँ दुर्गा का इमेज है इस पर मैं फॉन्ट कर दिया हूँ ताकि इमेज सामने आ जाए। फिर से हम स्क्रॉल कर देते हैं इधर और ये जो कलर का सेटिंग है इस पर जाके जो दूसरा वाला इमेज था टेम्पल वाला उसका कलर मैं मॉडिफाई करने का कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से। सेम इसी प्रोसेस से आप माँ दुर्गा इमेज वाले पे कलर मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, जो इमेज है उसका हम ट्रांसपेरेंट दे दिए हैं और दो इमेज सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम इमेज पर बैकग्राउंड देंगे तो हम बैकग्राउंड के लिए ये इमेज एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इमेज मैं ले लिया हूँ और इसको क्रॉप कर लेता हूँ जैसे कि इस तरह से और इसको जूम कर देता हूँ इस तरह से। और जूम करने के बाद इसका साइज़ जो है फिट कर देता हूँ ताकि पूरा ये एरिया ले ले, कवर कर ले। और फिर से इसे बैक कर देता हूँ। बैक करने से क्या होगा, जो हमारा पहले वाला इमेज जो था वो फॉन्ट में आ जाएगा। फिर से पहले वाले प्रोसेस की तरह इस पर भी कलर हम मॉडिफाई करेंगे इस तरह से। और इसी प्रोसेस से हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा इमेज अट्रैक्टिव हो जाए और जो सामने का इमेज हैं दो वो इमेज थोड़ा उभार आए उनमें। तो इस तरह से हमें कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें दूसरा इमेज सेलेक्ट करना है, जैसे सिंगर का कर सकते हैं अपना भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे मैं यहाँ पर सिंगर का इमेज लेना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं सिंगर का इमेज ले लिया हूँ और इसका जो पोजीशन है एक साइड में होना चाहिए। आप या तो लेफ्ट में रखिए या राइट में रखिए। तो इसको भी हम इस तरह से रख लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे क्योंकि हम जो नीचे ये आप देखते होंगे ब्लू वाइट थोड़ा सा बॉर्डर में लिखा होता है ऑडियो डीजे सॉन्ग या जो भी, तो उस तरह का हम लिखेंगे इस पर। और फिर से हम टेस्ट एक ले लेते हैं और उसमें ऑडियो डीजे सॉन्ग लिख देते हैं जैसे आप देखते होंगे लिखा होता है उस तरह से। क्या करेंगे, हम इसको स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ फॉन्ट होगा। फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम नॉर्मली फॉन्ट कोई भी दे सकते हैं यहाँ से। और इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं फॉन्ट एक बार फिर से, नॉर्मली फॉन्ट दे देते हैं। ये फॉन्ट पिक्सेल लैब में अवेलेबल है और इसको फिर से स्क्रॉल करके हम यहाँ से स्ट्रोक दे देते हैं ब्लैक कलर का। और ये जो पॉइंट्स हैं आप बढ़ा सकते हैं इसको। फिर से हम क्या करेंगे, ये प्लस वाला जो सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं शेप्स है, शेप में जाके ये हम शेप सेलेक्ट कर लेंगे। आपको सारे सेटिंग्स इसमें मिल जाते हैं तो आप थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और नीचे फिट कर देना है इस तरह से। और ये फॉन्ट भी इसी फिट कर देंगे हम। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो फिर हम क्या करेंगे, अब जो वो शेप था उसका हम कलर चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी कलर रख सकते हैं। और फॉन्ट का भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अब कुछ हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इस पर जो और इमेज का जो साइज़ है उसे हम थोड़ा सा फिट भी कर लेंगे और यहाँ पे शैडो भी दे देंगे इमेज पे ताकि इमेज थोड़ा उभार आ जाए इमेज में।
और कोई भी कलर का ही आप शेडो दे सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, जो आप देखते होंगे एल्बम का नाम होता होगा ऊपर, तो उसको हम लाएंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हूँ माई झूला झूलेली, ये एल्बम का नाम था। ये फ़ॉन्ट क्या है, ये फ़ॉन्ट परचेजिंग वाला फ़ॉन्ट है, इसका काफ़ी चार्जेज लोग लेते हैं, तो ये फ़ॉन्ट जो है आपको परचेज ही करना पड़ेगा। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना थोड़ा, तो आप क्या करेंगे, जो भी इमेजेज हैं उनका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेंगे, और उसके बाद से जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उसको भी थोड़ा छोटा करके किसी तरह फिट कर लेंगे। और यहाँ से हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और फ़ॉन्ट का साइज़ भी छोटा और बड़ा करके जिस जैसे भी अगर हमें करना फिट कर लेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, सिंगर का जो नाम लिखा होता है उसको लाएंगे। तो हम पहले से ही यहाँ पे सेव कर चुके हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ जो है फ़ॉन्ट सिंगर का नाम उसको हम लेते आते हैं, और इसका साइज़ जो है छोटा करके हम यहाँ पे रख लेते हैं यहाँ पे। और इस पे भी शैडो हम दे देंगे ना, तो थोड़ा सा उभार आ जाएगा इस तरह से। फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इमेज में जैसे नीचे है ये आप देख सकते हैं दीपक का है, तो हम इसको सेलेक्ट करना चाहेंगे, तो इस तरह से हम इसको जितना भी रखना है सेलेक्ट कर लेंगे, स्पेस के हिसाब से जितना हमें हमें मतलब कवर करना है जगह। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से आप कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ से हम इसका जो शैडो है शैडो चेंज कर देंगे, और फिर से कलर सेटिंग में आके इसका कलर सेटिंग चेंज कर देंगे इस तरह से। और इसका जो पोजीशन है पोजीशन भी हम सेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड का कलर था पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो हम बैकग्राउंड का कलर मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अब समझ में आएगा कि किस तरह का कलर बैकग्राउंड का होना चाहिए, तो इस तरह से हम मॉडिफाई कर लेते हैं। और फ़ॉन्ट का भी कलर जो है मॉडिफाई कर लेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये पूरा जो पोस्टर था ये बन के तैयार है, और सेम कंपनी की तरह तैयार है, तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं। इसका आप प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं, और इमेज फॉर्मेट सेव करना चाहते हैं तो इमेज फॉर्मेट सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए ओके बाय बाय।